हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक। तो आज आपको ले चलते हैं एक नई जगह पे, नई लोकेशन पे। तो कहाँ जा रहे हैं आपको वहीं पे पता चलेगा, तो बने रहिए व्लॉग में। और तबीयत थोड़ी खराब है, फेस्टिवल के दौरान जो है कि सबको कोल्ड हो गया और खांसी है हल्की हल्की, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अंदर चले हैं जी, पहाड़ी गाने, किन्नौरी गाने। तो पता नहीं कॉपीराइट तो नहीं आएगा, तो मैं मिलती हूँ आपको अब सीधे वहीं पे, उसी लोकेशन पे। बहुत ही अच्छी लोकेशन है और अभी सामने से धूप पड़ रही है, ये देखिए। तो हम आए हैं जी यहाँ पर पार्किंग एरिया में, स्कूटी को हमने लगा दिया है पार्किंग में। तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से कि हम आए हैं नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है पड़ता है पंचकुला, नियर बाय चंडीगढ़। गुरु पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफी बड़ा गुरुद्वारा है, आप देख सकते हैं यहाँ से काफी बड़ा है, ये देखिए बहुत अच्छा बनाया है, पत्थरों से ही बनाया गया है पूरा का पूरा गुरुद्वारा जो नाडा साहिब का है। मतलब जो भी मार्बल वर्क किया गया है इसमें, दीवारों में भी मार्बल वर्क किया गया है, ये देखिए इस तरह का है, ये देखिए कुछ इस तरह का है गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग। काफी बड़ा है और काफी आगे तक फैला हुआ है, बहुत अच्छा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए आयु और आयु के पापा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पूरा भी दिखाती हूँ नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। आगे बैठते हैं कहीं पर, और यहाँ पे ना भंडारा आपको 24 घंटे मिलेगा, भंडारा लगा हुआ। अभी हम भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे थोड़ी देर में।
तो ये देखिए यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता बहुत ही अच्छा है बना हुआ, और मैट मिलेगी आपको बिछाई हुई। इतना बड़ा यहाँ पे हॉल है, आप देखिए यहाँ पर बैठकर कीर्तन कुछ भी भंडारा वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से पीछे की पहाड़ियाँ साफ दिखाई देती है, नाडा साहिब से हिमाचल की पहाड़ियाँ आपको साफ दिखाई देती है। तो ये देखिए लंगर में है जी, पनीर वाली कड़ी, दाल, खीर है, सलाद है, लंगर प्रसाद चल रहे हैं, काफी अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स अभी हमने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है और लाखों लोगों को यहाँ पर प्रसाद खिलाया जाता है बैठा के, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके, और काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है इधर। आप एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करें, चंडीगढ़ नियर बाई ट्राई सिटी से जो भी है उनको तो काफ़ी अच्छे से पता होगा कि नाडा साहिब जो गुरुद्वारा है यहाँ का फेमस है। ये देखिए काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी साफ सफाई यहाँ पर रखी गई है और हज़ारों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो ये है जी सामने जो दिख रहा है आपको पहाड़ी एरिया, हिल स्टेशन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है, और यहाँ पर साथ में ही बना है पारस हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही है नाडा साहिब गुरुद्वारा, और ये यहाँ पार्किंग एरिया है। यहाँ से अंदर आते हुए आपको सीढ़ियाँ मिलेगी कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ से भी आप आ सकते हो। और ये देखिए इतना बड़ा है ये गुरुद्वारा का जो मेन है, यहाँ से गेट अंदर जाने के लिए है, हमने दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ से भी है, यहाँ से भी आप आ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर जो बना है यहाँ पर है जूता घर, अपने जूते आप यहाँ पर रख सकते हो। और शाम का टाइम हो रहा है, लगभग शाम के 5 या 4 बजने वाले हैं। वो भी निकलते हैं घर की तरफ, कहीं और भी जाना है शायद, हम नानी के घर जाएं, वहाँ पे कुछ काम है तो फिर वहाँ से होके जाएंगे। तो ये देखिए सनसेट होने वाला है, शाम का समय है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर विजिट करके। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। जो नानी जी के घर पे, और ये देखिए मामी जी। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं घर वापस, तो हम नाडा साहिब के आने के बाद हम नानी जी के घर गए थे, क्योंकि नानी जी के घर में ना बहुत टाइम से नहीं गए थे, मतलब दिवाली से पहले गए थे एक दिन, तो आज उन्होंने बुलाया था तो हमने कहा चलो चले जाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी भी थी और टाइम भी था हमारे पास। तो नानी जी के घर में तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पर बातचीत होती है आपस में, क्या क्या हो रहा है, बस ऐसी ही बातचीत होती रहती है, सबको पता होगा। तो वहाँ पर मैंने शूट नहीं किया और मैं ना ही करती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ऐसे किसी के घर में शूट करना। तो फ्रेंड्स अभी घर पहुँच चुके हैं, जस्ट अभी मुझे बनाना है डिनर, तो टाइम लगभग 7 बज चुके हैं शाम के। तो डिनर के लिए क्या बनाना है अभी सोचा नहीं है, भूख भी नहीं है ज़्यादा, तो देखिए हल्का फुल्का कुछ बना देते हैं। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा, और आजकल व्यूज़ भी बहुत ही डाउन चल रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे भी। और वीडियो में कोई भी कमी लगती है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसको कि हमें सुधारने की मैं कोशिश कर सकूं। तो मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।